जब होली का दहन होता है तो मैं मम्मी के साथ देखने गई थी, तो दो तीन जगह पर चौराहे चौराहे पे, यहाँ से एक चौराहा है, दूसरा चौराहा यहाँ पर है, ठीक है। तो होली का दहन हो रहा था, इतना बड़ा पेड़, ठीक है, पूरा काट के उन्होंने होली का दहन में लगा दिया। तो अगर होली का दहन में अपन ने वो पेड़ को कितना समय लगता है, एक इतना बड़ा पेड़ बनने के लिए, अराउंड 10 to 15 years, मोर देन दैट, है ना। बट स्टिल फिर भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा उससे पहले, और इतना बड़ा पेड़ ला के काट के उन्होंने सजा के रख दिया, इतना बड़ा डेकोरेशन किया और लगा दिया। हमारे घर अलकापुरी के साइड की बात है, दोनों जगह पे, ठीक है। पर अगर हम सोचें होलिका दहन के समय, किसी ने वृक्षारोपण की आज तक नहीं सोची होगी, सोचिए नहीं, पर पेड़ काटने से पहले एक सेकेंड में नहीं सोचा, नहीं हमको हमारा डेकोरेशन बड़ा सा दिखाना है, तो काट के लगा दिया, ठीक है। फिर ऐसी बातें होती है उसके बाद, जी जी, फिर हम जाते हैं मंदिरों में, शिव जी के मंदिर में स्पेशली अभिषेक होता है, अभिषेक होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, खूब सारा दूध चढ़ाएंगे, क्यों, ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो जल्दी से पूरी होगी हमारी मनोकामना, है ना, ये होता है। तो फिर हमारे धर्म के ऊपर फिल्म बनती है तो वो बुरी लगती है, क्यों बुरी लगती है, सही बनाते बताते हैं ना, वो OMG में गलत बताया था, PK में गलत बताया था, सही बताया था ना, इतना बड़ा पेड़ काटने से पहले एक सेकंड नहीं सोचा। आपका क्या विचार है इस बारे में? आपका नाम बताइए। तोषा चौधरी। तोषा, एज बताइए। 21। भगवान के मंदिर में कैसे जाना चाहिए जानती हो? कैसे जाना चाहिए मींस? आप क्या क्या पूछ रहे हैं मुझसे, थोड़ा क्लियरली पूछे। नहीं, मैंने जितना पूछा उतने का आंसर दे दो तो मान जाऊं। मम्मी से तो यही सुना है, नहाकर सुबह नहाकर मंदिर में जाना है तो जाओ, अगर इच्छा नहीं है तो वो भी मत जाओ, नहीं जाओ, हाँ ऐसा कुछ ठीक है, नहीं है। गुरुजी राधे राधे। आपको तो माइक देने के लिए नहीं कहा था मैंने। नहीं, एक मिनट लूंगा, नहीं दूंगा। ये मेरी सिस्टर है, मैं आपके पास इसको इसीलिए लाया था कि आपकी शरण में आके इसको कुछ अक्कल आए, तो ये आके यहाँ भी आपसे सवाल करने आ गई। नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको अभी आंसर दे देता। तो आपसे क्षमा चाहूंगा कि आपकी बिना अनुमति के मैंने माइक लिया। इट्स ओके। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, बहुत बड़ा शिष्य हूँ मैं, इसलिए इसको यहाँ लेके आया हूँ। ये कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी है, तभी तो क्वेश्चन। मैं कौन से स्कूल से पढ़ी हूँ, that doesn't matter। आ जाइए, माइक दे दीजिए, अब मैं अपना काम करूँ, आपने क्वेश्चन कर दिया। Yeah, sure. अब माइक अपने पास रखिए, रखिए अपने पास। आप जानती हैं शिवजी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? आप जानती हो शिवजी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? अभी उम्र क्या है तुम्हारी? 21। जब तुम 71 की हो जाओगी और तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ेगी, और तुम्हारे बच्चे कहें कि मम्मी पे 4 लाख रुपए खर्च करने से क्या फायदा मिलेगा, इससे तो बढ़िया है 1 लाख रुपए में किसी का घर बनवा दें गरीब का, मम्मी को मर जाने दें, मम्मी को मर जाने दें, देन यू फील ओके? कुछ फर्क तो पड़ेगा ना, नहीं, 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 4 लाख, देन यू फील ओके या नॉट? नो नो, विल नॉट। व्हाई? बिकॉज दिस इज योर पर्सनल मैटर, यू डोंट नो हु इज योर शिव। You don't know. We know. You don't know. We definitely know. Then why I am going to doing to Abhishek? नहीं तो करो ना, पर 2 किलो 3 किलो दूध मैं कह रहा हूँ, मेरी इच्छा है 100 किलो की। तुम कौन? मैं नहीं, नहीं, आप लोग ये मत करिए। मैं ये तो अच्छा है ये, क्योंकि आज इसकी क्वेश्चन नहीं है ये, न जाने इस समाज में कितने ऐसे यंग बच्चे हो गए हैं। नहीं, I am representing youth because everybody thinks so. मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। Yeah. I am doing also. Please try to understand what I say. Definitely. Okay? तो ये समाज की एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, हम कुछ जानते भी नहीं है और किसी की मानते भी नहीं है। हमें नहीं पता शिव कौन है, हमें नहीं पता अभिषेक क्यों किया जाता है। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हमें नहीं पता शिव कौन है, हमें नहीं पता अभिषेक क्यों किया जाता है, लेकिन एक गंदी फिल्म का एक गंदा एक्टर, जिसे मैं अपनी फिल्मों में अपने रूम में सजा के रखता हूं या रखती हूं, उसने जो कह दिया मेरे लिए वही परफेक्ट है।
आप एक अंत मुझे जवाब दीजिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक? आई डोंट नो, पता नहीं। पहले इसका पता कर लो, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाना चाहिए। बट किसी गरीब को नहीं देना चाहिए, अगर वो वहां बैठा है तो चढ़ाते रहो, शिव जी को चढ़ाओ, शिव जी मत दो। शिव जी पे 200 किलो चढ़ाओ तो 400 किलो गरीबों में बांटो, कोई टेंशन नहीं। गरीबों का एक अलग मैटर है, शिव जी का एक अलग मैटर है। मैं शिव जी पे अभिषेक करूं न करूं, दिस इज माई थिंकिंग, लेकिन मैं गरीबों को दूं, ये तो भगवान भी कहते हैं, ये तो शिव जी भी कहते हैं कि सबको दो, गरीबों को दो, हेल्प करो, सबकी मदद करो, ये भी धर्म है। लेकिन शिव जी का काट के धर्म करो या मम्मी पापा को खाना नहीं खिलाओ, गरीबों में बांट दो, ये थोड़ी होता है। मम्मी पापा को भी खिलाओ और गरीबों में भी बांटो, यही ना धर्म है। अपने घर के बड़ों का सम्मान पहले करोगे कि घर के बाहर निकाल के पहले गरीबों में बांटोगे? मतलब इतना बड़ा भगवान भूखा है दूध का, वो अपने दूध को पिएगा? अरे भगवान तो सबको इसका देता है। इसका मत मस्ट यू थिंक व्हाट यू से, कंट्रोल योर लैंग्वेज। I am not telling you. Please control your language. Okay? This is not your school. This is not your college. This is not your home. This is a katha pandal. Yes, yes. तो आपको पता होना चाहिए कि वहां हमें कैसे बोलना है, समझ लीजिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि शिव जी पे अभिषेक क्यों करें? ऑब्वियसली शिव हमें ही सब कुछ देते हैं, ऑब्वियसली उन्हें तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ही इज अ गॉड, ही गिव्स यू एवरीथिंग व्हाट यू नीड। बट माँ बाप बहुत कुछ कमाते हैं, अपने बच्चों को दे जाते हैं, बच्चों की क्या जिम्मेदारी है कि माँ बाप को पूछे ही नहीं? माँ बाप को नहीं पूछे कि तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं, या माँ बाप को भोजन नहीं कराए, या माँ बाप के लिए वस्त्र नहीं लाए, या माँ बाप के लिए कुछ नहीं लाए, ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? है कि नहीं है? तो हम कौन है शिव जी के? भक्त हैं उनके, भक्त नहीं बच्चे ही में है ना। तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हम उनके मंदिर में जाएं, हम उनका अभिषेक करें, हम उनको दुग्ध चढ़ाएं, हम उनको माला पहनाएं, ये हमारी ड्यूटी नहीं है? बिल्कुल है। आई एम कंप्लीट माई ड्यूटी, ही कंप्लीट हिज ड्यूटी। वो हमें देता है, उसकी ड्यूटी कंप्लीट है। लेकिन उसके करोड़ों में से 201,001 रुपया उनके चरणों में पवित्र हम चढ़ा के उस धन को, उस माया को, उस जीवन को हम पवित्र करते हैं, इसलिए हम वहां जाकर चढ़ाते हैं। इसलिए नहीं कि शिव जी को आवश्यकता है, इसलिए चढ़ाते कि मुझे आवश्यकता है, मैं उनके चरणों में जो चढ़ाऊंगा वो पवित्र हो जाएगा। आप गंगा जी क्यों जाते हो नहाने? हम लोग और आप गंगा जी क्यों जाते हैं? क्या गंगा जी को जरूरत है कि हम जाएं और नहाएं? नहीं, गंगा जी में हम इसलिए जाते हैं कि हम जाते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। वैसे ही भगवान को हमारे पैसे की, वस्त्र की, दूध की, मिठाई की, फूल की, अगरबत्ती की, दीपक की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये सब इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि उनको अर्पण करने से हमारे पास जो भी पाप की कमाई भी है उसमें भी कहीं धर्म जागृत हो जाता है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम इसलिए जाके पवित्र करते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है, इसलिए हम करते हैं। तो अब बताइए अभिषेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नाउ एग्री? राधे राधे बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे।